पीएसएल में तो अक्सर बवाल होते ही रहता है, कभी बम ब्लास्ट तो कभी मारपीट, ये सब मामला पीएसएल में देखने को मिलते ही रहता है। लेकिन आज इससे कुछ हटके हुआ। इमाद वसीम के कैप्टनशिप में कराची की टीम बेहद ही खराब परफॉर्म कर रही है। कराची की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है, जिसपे कराची की टीम पे सारे कोच भड़के हुए है। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम फिलहाल में कराची टीम के प्रेसिडेंट है, जो की कराची टीम पर खूब भड़के हुए है। अब भड़केंगे भी, इस टीम ने काम ही ऐसा किया है, लगता है कि आरसीबी का रिकॉर्ड भी यह टीम तोड़ देगी। आरसीबी लगातार 7 मैच हारी थी, अगर कराची अगला मैच हारती है तो आरसीबी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएगी और उम्मीद है कि कराची इस रिकॉर्ड को तोड़ भी दे। लगातार 6 मैच हारने के बाद प्रेसिडेंट वसीम अकरम कराची के सीनियर प्लेयर शोएब अख्तर को डांटने लगे और उनकी जमकर क्लास ली। इनकी तो सुताई होना चाहिए भाई, 6 मैच लगातार कौन हारता है, वो भी पीएसएल जैसे लीग में। बता दे कि कराची का पिछला मैच इस्लामाबाद से हुआ था, जिसमें शोएब मलिक कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन कैप्टन इमाद वसीम शानदार 92 रन की पारी खेले थे और कराची की टीम 201 रन बनाने में सफल रहा था। लेकिन इसमें दुख की यह बात है कि कराची की टीम इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई थी और इस्लामाबाद ने इस टारगेट को 4 बॉल रहते ही हासिल कर लिया था और कराची की उनकी लगातार 6वीं हार थमा दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।